कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार सभी को, यूथ रीच ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है। आज हम दसवीं कक्षा के गणित विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा प्रश्नावली 7.1 का तीसरा उदाहरण। आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला कर्मशेर ए 3.1 ब्रैकेट बंद, बी 6.4 ब्रैकेट बंद और सी 8.6 ब्रैकेट बंद पर बैठी है। तीन लड़कियां हैं जो ए बी सी पॉइंट पर बैठी हुई है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है? आपको ये बताना है क्या ये तीनों एक सीध में बैठी, मतलब बिल्कुल सीधी बैठी है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? जब ए बी जमा बी सी बराबर ए सी होता है तो एक सीध में होती है, अन्यथा नहीं होती है। आइए दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी बराबर अंडररूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर ए बी की दूरी निकालेंगे हम 6 - 3 अंडररूट 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर बराबर अंडररूट 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 बचेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडररूट 9 - 9 बराबर √18। अब देखिए √18 का वर्गमूल निकालेंगे हम। 9 3 फैक्टर क्या बन गए, जिनका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिखिए और नहीं बनता उस पर रूट लगा दीजिए। 3√2 आया हुआ है। इसी प्रकार से हम बीसी निकालेंगे। बीसी बराबर सेम उसी फॉर्मूले से 8 - 6 का स्क्वायर अंडररूट 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर बराबर अंडररूट 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 4 8 होते हैं और 8 का वर्गमूल हम निकालते हैं 4 2। सेम उसी प्रकार से जिनका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिखिए, जोड़ा नहीं बनता उसको वर्गमूल के अंदर लिखिए, 2√2 आ जाएगा। इसी प्रकार से एसी निकालेंगे हम। एसी बराबर 8 - 3 का स्क्वायर जमा 6 - 1 का स्क्वायर 8 में से 3 कम करेंगे 5 हो जाएगा, 6 में से 1 कम करेंगे 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 25 50 होते हैं और 50 का भी वर्गमूल हम निकाल कर दिखाते हैं आपको। 50 2 पे करेंगे 25 और 5 पे करेंगे 5 आएगा, 2 × 5 × 5 है, जिसपे जोड़ा बनता उसको बाहर लिखेंगे, जिसपे नहीं बनता उसपे रूट लगा देंगे, 5√2 आएगा। अब हम देखते हैं क्या ए बी जमा बी सी बराबर है ए सी के। देखिए चेक करते हैं हम पहले। ए बी हमारे पास 3√2, बी सी हमारे पास 2√2, क्या ये बराबर है ए सी?
तीन और दो कितने होते हैं पांच, पांच रूट दो बराबर है पांच रूट दो। अब हम देखेंगे ए बी जमा बी सी बराबर ए सी है तो वे तीनों एक शीर्ष में बैठी हुई है और रेखा एबीसी एक संरेखीय रेखा है। आशा करता हूँ यूथ्रीज ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको गणित विषय समझने में आसानी हुई होगी। आपसे उम्मीद है इस विषय में आप अपने सवाल जरूर रखें ताकि इस विषय को हम और अच्छे से समझा सकें। धन्यवाद।